राजस्थान के शेखावटी शहर झुंझुनू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय अमृत दीदी जी निमित्त बनी। आपका जन्म 1947 में अखंड भारत के लाहौर शहर में हुआ। बाल्यकाल से ही आपको पाक कला और संगीत में बेहद रुचि थी। आप में निर्भयता, सहनशीलता, रमणीकता आदि विशेष गुण थे। 1958 में करनाल सेवा केंद्र पर आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा कुमारी बहनों का पवित्र और सादगीपूर्ण जीवन देखकर आपने 1960 में अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। आपको पहली बार 1960 में संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा और संस्था की प्रथम संचालिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा, मम्मा व दादियों की विशेष पालना के फलस्वरूप 1962 से आपने करनाल, फिरोजपुर, फरीदकोट, जयपुर, अलवर और उदयपुर में अपनी विशेष ईश्वरीय सेवाएं दी और 1989 से झुंझुनू में ही रहकर सेवाओं का कार्यभार संभाल रही हैं। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र एवं 5 गीता पाठशालाओं में 500 से भी अधिक ब्रह्मावत्स आपसे ईश्वरीय पालना ले रहे हैं। जैसा नाम है वैसे काम भी करना है, तो ज्ञान में आने से पहले मैं बचपन में ही, जब मेरा जन्म हुआ और मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ और 1947 में जब बहुत झगड़े थे, उस समय हम लोग सभी अपनी इज्जत बचाने के लिए सब परिवार पाकिस्तान को छोड़कर हम लोग हिंदुस्तान में आए और सबसे पहले हम लोग जलंधर में रहे और उस समय हमारी स्थिति बहुत खराब थी और मैं भी उस समय 2 महीने की थी और खाने को कुछ नहीं था, सब कुछ छोड़ के आ गए। तो हमारी माता जी ने कहा कि इसको हम दरिया में फेंक देते हैं। तो हमारे पिताजी ने कहा नहीं, इसका भाग्य अपना है, इसकी किस्मत अपनी है, जो हम खाएंगे वो ये भी खाएगी। तो बचपन से ही हमारे अंदर परिवार ने धार्मिक प्रवृत्ति और भक्ति भाव के बहुत संस्कार डाले हुए थे। तो बचपन से ही हम लोग मंदिर में रोज जाते थे, वहाँ दीपक वगैरह जगाते थे, घर में आकर आरती भी करते थे। बहुत भक्ति के प्रति हमारी भावना रहती थी, व्रत भी हम लोग बहुत करते थे। लेकिन ये पता नहीं था कि वास्तव में हम व्रत किसके लिए कर रहे हैं। और बहुत छोटी उम्र थी, उसी समय एक बहुत बड़ी हमारे सामने परिस्थिति आई, जो हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। हम बहुत छोटे छोटे भाई बहन थे और हमें बहुत एक भगवान के प्रति लगन थी और हमारे पिताजी भी कहते थे, हमें छोटे छोटे थे, हमें यही कहते थे, भगवान आ चुका है, लेकिन कहाँ आ चुका है इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं था, क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी। और बचपन से ही मेरे अंदर बहुत शौक था, एक तो घूमने का बहुत शौक रहता था, नई नई जगह पर जाऊं, और दूसरा शौक मेरे था भोजन बनाने का भी बहुत बहुत शौक था। तो और मेरे अंदर ये गुण था, सहनशीलता का भी मेरे अंदर बहुत गुण था और निर्भयता, मैं किसी से डरती भी नहीं थी, चाहे अकेली भी रहती थी तो भी मुझे डर नहीं लगता था। तो इसी गुणों के कारण ही जब हम बचपन में, जब मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते ही हम लोग ज्ञान में आए और ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान में लाने के निमित्त ही हमारे भाई साहब थे, वो भी बहुत छोटी एज में थे, वो भी अपने दोस्त के साथ वो आश्रम में जाने लगे। तो उन्होंने भी 7 दिन का कोर्स किया, लेकिन लोग हमें
यही कहते थे कि जो आपके भाई साहब हैं वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम के उल्टी भ्रांतियां हमारे दिमाग में डाली थी कि वो सन्यासी बन जाएंगे, उनको जादू लग गया है, क्योंकि उस समय उनका ट्रांस का पार्ट था, लेकिन हमको मालूम नहीं था ये सब क्या है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं था। तो जब घर में आते थे तो हमें बहुत अच्छी अच्छी वो बातें सुनाते थे। हम कहते बातें तो आप अच्छी सुनाती हैं, लेकिन लोग आपके लिए बहुत उल्टी बातें हमें सुनाते हैं। फिर हमने जिद की, हमने कहा आप हमें ले चलो, हमारे माता जी ने कहा आप हमें वहीं ले चलो जहां आप जाते हो, आप हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। तो जब हम सभी मिलकर के एक दिन वहां आश्रम में गए, तो जाते ही हमें जैसे ही हमने कदम रखे और जैसे ही हमने अपनी दादी मनोहर दादी को देखा और बहनों को भी देखा, तो हमें बहुत एक नया जीवन जैसे लगा कि हम एक अपने घर में पहुंच गए हैं और हमारा एक नया जीवन, जैसे हमें नया जीवन मिला है। क्योंकि उस समय मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते ही अचानक और पढ़ते पढ़ते अचानक ही हम लोग मधुबन में गए। 1960 में फर्स्ट बार बाबा से मिलने गए और इतनी इच्छा थी कि मधुबन में हम जाकर जल्दी बाबा से मिले। जैसे ही हम मधुबन में पहुंचे और ऐसे लगा कि बाबा सामने खड़ा है, लेकिन विश्वरतन दादाजी को हमने बाबा समझा, लेकिन बाद में कहा बाबा ऐसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर आते थे, बहुत गंदे गंदे कपड़े होते थे ट्रेन के, तो कहा नहीं नहाओ धो तब बाबा आपसे मिलेंगे। तो मैं इतनी तड़फन होती थी कि हम जल्दी बाबा से मिले। जैसे ही हम सब और कुमारियां भी थी साथ में, जब हम बाबा से मिलने गए तो बाबा एक एक से मिल रहे थे हर कुमारी से। किसी को बाबा ने कहा नहीं बच्ची तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी है, तुम्हें डबल पढ़ाई पढ़नी है। और मेरे को बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको पढ़ना ही नहीं है, कि तुम्हें ये अविनाशी पढ़ाई पढ़नी है, यही साथ जाएगी, वो पढ़ाई तो विनाशी है, वो साथ नहीं जाएंगी। बस यही शब्द बार बार वो कानों में गूंजते रहे कि बाबा ने जो कहा है वो हमें हां जी का पाठ पक्का करना है, मना नहीं करनी है। तेरा
जब फर्स्ट बार हम मम्मा से मिले 1960 में, बाबा के साथ मम्मा भी बैठी हुई थी, और मम्मा को जब हमने देखा तो इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा जैसे मम्मा बाबा एक मात पिता के समान हमको पालना दे रहे हैं। और मम्मा से भी मेरा बहुत प्यार था। जब मैं मम्मा के पास जाती थी, मम्मा बहुत प्यार करती थी। मम्मा कहती थी, देख तुम कितनी अच्छी हो, तुम बहुत आगे बढ़ सकती हो, तुम बहुत सेवा कर सकती हो। तो मैं कहती, मम्मा मैं बहुत छोटी हूँ, मैं सेवा कैसे करूँगी। मम्मा कहती, नहीं तुम अपने शरीर को मत देखो, देखो अपनी आत्मा को देखो, तुम्हारी आत्मा कितनी बड़ी है। जब आत्मा बड़ी समझोगे तो शरीर भी तुम्हें बड़ा नजर आएगा। और मम्मा बहुत प्यार करती थी। जब हम एक मिलने नहीं जाते थे तो मम्मा कहती, आज क्यों नहीं मिलने आई मेरे से। मैं कहती, मम्मा ऐसे ही नहीं आए। कहा, ऐसे नहीं, रोज मम्मा से मिलने आना है। और जब भी जाते थे, मम्मा बहुत प्यार करती थी। और मम्मा की, जब मम्मा मुरली चलाती थी तो भी हम छोटे छोटे थे, सबसे आगे बैठते थे। और जैसे मम्मा की गोद में जाते थे, मम्मा कहती थी, किसकी गोद में आए हो, याद है? तो हम बहुत मुस्कुराते थे, मम्मा हम आपकी गोद में आए हैं। कहती है, मेरी गोद में नहीं, मम्मा की गोद में आए हो। पता, इतने हम भोले थे, समझते नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था मम्मा से। ऐसे मम्मा बहुत प्यार करती थी। और बाबा से भी हमारा बहुत प्यार था, मम्मा से भी प्यार था। फिर 1962 में जब मम्मा लास्ट टूर मम्मा का था करनाल में, मम्मा करनाल में जब आई तो जब हम सब कुमारियां मम्मा से मिली तो मम्मा ने कहा, देखो तुमको बाबा ने क्या कहा था। बाबा ने यही कहा था ना, बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़नी है, ये सेवा करनी है, बाबा की सेवा करनी है। तो मैं कहती, हाँ मम्मा जरूर करूँगी। कहा, नहीं आज से तुमको यहीं रहना है, तो आज से ही रहना मना। उस समय यही कहते, रहना मना समर्पण हो गए। जगदम्बा दुर्गा सरस्वती मम्मा के अनगिन नाम। नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। जिस पर मम्मा की नजर पड़ी वो पत्थर बन गया मोती। जिस पर मम्मा की नजर पड़ी वो पत्थर बन गया मोती। लाखों के अंधेरे जीवन में न जलाई रूहानी शत्रु का वार तेरे आगे पल भर में हुआ ना काम। नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। पहले तो आश्रम में कदम रखा, समर्पित हो गए तो ऐसा लगता था जैसे, और हमारे माता जी भी हमें यही शिक्षा देती थी, आप जा रहे हो तो सोच समझ के जाना, और कभी वापस घर में नहीं आना, और कभी वहाँ की घर की बातें आश्रम की बातें मुझे मत सुनाना। तो हम कहते, नहीं बस हम कुछ नहीं सुनाएंगे। और क्योंकि मेरे अंदर निर्भयता और सहनशीलता थी,
मैं सोचती थी नहीं, मुझे बाबा की सेवा करनी है, मुझे किसी के अवगुणों को नहीं देखना है, मुझे सबके गुणों को देखना है। तो मैं सदा गुणों को ही देखती थी। एक बहुत अच्छे अनुभव होते थे। और फिर बचपन में मेरा, जैसे ही मैं बाबा से मिलकर के आई और मेरा ट्रांस का पार्ट भी खुल गया, तो मैं बहुत ध्यान में जाती थी। और मनोहर दादी भी सब मुझे कहते थे, तुम जाओ बाबा से ये पूछ के आओ, बाबा से ये पूछ के आओ। तो मैं जो वहाँ नए नए देखती थी वो आकर के सुनाती थी। तो मैं दादियों का भी बहुत प्यार था। तो अचानक ही मेरा प्रोग्राम मनोहर दादी के पास रहने का बन गया। तो दादी, मनोहर दादी ने मुझे कहा तुम मेरे साथ मधुबन में रहो। तो मनोहर दादी और दादी दोनों पास पास ही कमरे थे। तो मैं रोज दादी के पास जाती थी। दादी बहुत प्यार करती थी। दादी कहती तुम बहुत लकी हो, देखो तुम कितना बड़ी सेवा कर सकती हो। मैं कहती दादी मैं तो कम पड़ी हुई हूँ। कहा देखो बाबा ने हमें कहाँ कितना ऊंच बनाया है, बाबा ने हमारी पढ़ाई नहीं देखी है, बाबा ने हमारे गुणों को देखा है। तुम्हारे अंदर बहुत गुण हैं, बहुत विशेषताएं हैं, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। ऐसे मुझे दादी से भी बहुत प्यार था, बड़ी दीदी से तो मेरा खास प्यार था। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रों के महलों में होंगे, भले ही रों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ बाबा बिना, दिल लगेगा कहाँ। 1962 से ही फिर मैं सेवा स्थानों पर सेवा करने निकली। तो सबसे पहले मेरे अंदर ये गुण था, सहनशीलता और निर्भयता। तो जब भी मुझे बड़ी बड़ी दादियाँ सेवा पर भेजती थी, कहाँ भी भेजती थी, मैंने एक पाठ पक्का किया था, हान जी का पाठ। मैं कभी ना नहीं करती थी। जहाँ मुझे दादी कहती तुम वहाँ जाओगी, मैं कहती हाँ जी दादी। तो सब बहनें कहती वहाँ मत जाओ, वो बहन ऐसी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहन कैसी भी हो, लेकिन मैं अपने अच्छे संस्कारों से, मिठास से मैं उस बहन के साथ रहूँगी। मैं उसकी बुराई नहीं देखूँगी, मैं उसके गुणों को देखते हुए भी उसको भी परिवर्तन करके दिखाऊंगी। तो 1962 से ही मेरे को दादी ने सबसे पहले अमृतसर में भेजा कि वहाँ तुम जाओ। चंद्रमन दादी का भी प्यार था मुझे, तो मेरे को कहा तुम मेरे पास आओ। तो मैं अमृतसर रही, फिर अमृतसर से धीरे धीरे फिर मैं जमुना नगर और स्थानों पर भी, जैसे फिरोजपुर है, फिरोजपुर कैंट है, सब जगह मैंने सेवा का अनुभव किया। और जब मैं दिल्ली में आई सेवा करने के लिए, तो उसमें भी सबसे आश्चर्य बात तो ये थी कि बाबा ने, जब मेरा ट्रांस का पार्ट था, तो बाबा ने अचानक ही मेरा मुख बंद कर दिया 3 दिन के लिए। तो सब भाइयों को बड़ा आश्चर्य लगा कि इनका मुख बंद क्यों हुआ है। तो कहा बाबा से पूछो। तो फिर मैंने बाबा से पूछा, तो बाबा ने लिख के दिया किस बच्ची का मुख इसलिए बंद किया है कि सभी अपना अपना कर्म कहानी लिखें। तो सबको यही लगा कि इसका मुख बंद क्यों हुआ है, और कहा इसको क्या खिलाया जाए पिलाया जाए। तब तुरंत बाबा ने कहा
इस बच्ची को केवल दूध ही पिलाया जाए। तब चम्मच से मेरे मुख में दादियाँ दूध डालती थी और मैं वो ही पीती थी। फिर जब सबने अपनी अपनी वो कर्म कहानी लिख के दी, तब 3 दिन के बाद फिर मेरा मुख खुला। तो इससे भी बहुत बड़ी सेवा हुई। ऐसे मैंने सब जगह सेवा का अनुभव किया। तो 89 में मैं झुंझुनू सेवा पर आई और यहाँ भी मैंने बहुत सेवा के नए नए अनुभव किए। कहीं उतार चढ़ाव भी हुआ, कहीं छोटे छोटे विघ्न भी आए, लेकिन इनको भी हंसते हंसते मुस्कुराते हुए पार करते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मन से बोलो ओम शांति, मुख से बोलो ओम शांति, मन से बोलो ओम शांति, मुख से बोलो ओम शांति। शांति है स्वधर्म हमारा सबका प्यारा, ओम शांति सबका प्यारा, ओम शांति। मन से बोलो ओम शांति, मुख से बोलो ओम शांति। यही है एक महामंत्र जो तन मन को शीतल बनाए, राजयोग का धार यही है जीवन को निर्मल बनाए। राजयोग का धार यही है जीवन को निर्मल बनाए। दिल से बोलो ओम शांति, नैनों से बोलो ओम शांति। शांति है स्वधर्म सबका प्यारा, ओम शांति सबका प्यारा, ओम शांति। मन से बोलो ओम शांति, मुख से बोलो ओम शांति। मेरे जीवन के अंदर सबसे बड़ी यही धारणा थी कि मुझे सबको सुख देना है, दुख नहीं देना है। चाहे कैसे भी आत्मा मेरे सामने आए, लेकिन बाबा कहते बच्चे मन से भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है। अगर हम बुरा सोचते हैं तो जो मुख से बुरा निकलेगा और हमारे एक्शन भी बुरे, हमारे कर्म भी बुरे होंगे। तो मैं सदा यही सोचती हूँ कि मुझे सबको सुख देना है। चाहे मैं कहीं संगठन में भी रही हूँ, चाहे मैं कहीं भी रही हूँ, लेकिन मेरी जो विशेष धारणा यही है कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है और सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। मैं सवेरे जब 4 बजे उठती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि सारे विश्व के ग्लोब पर मैं खड़ी हूँ और सारे विश्व की आत्माओं को मुझे
शुद्ध वाइब्रेशन, पावरफुल संकल्पों से सबको मुझे एक शक्ति देनी है। तो जब मैं ये सोचती हूँ और मेरे अंदर भी वो एक वो उमंग जोश आ जाता है कि नहीं, मुझे सबको सुख देना है। मैं चाहे कहीं भी रही हूँ, चाहे मेरे साथ कितनी भी आत्माएं रही हैं, तो मैं सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखती हूँ कि ये भी आत्मा परिवर्तन हो जाए, ये भी आत्मा बदल जाए। लेकिन मैं उसके प्रति हमेशा शुभ आशाएं रखती हूँ कि इस आत्मा को भी मुझे आगे बढ़ाना है, खुद भी बढ़ना है और इसको भी आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं कभी किसी बुराई को नहीं देखती हूँ, उसके गुणों को ही देखती हूँ। जो भी भाई बहन यहाँ सेंटर पर आते हैं, उनको दीदी के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है और उन्हें बाबा की सेवा में समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दीदी का सबसे बड़ा गुण है कि दीदी बहुत ही मेहनती हैं, वो हर मौसम में अपनी सेवाएं निरंतर करती रहती है और दीदी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी दीदी के जैसे मेहनती और सेवाभावी बने। दीदी हमेशा निमित निर्माण और सरल चित बनकर के सेवा कर रही है ताकि हमें भी वो प्रेरणा मिले, हम दीदी की तरह आगे सेवा के कार्य में आगे बढ़ सके। दीदी में माँ की ममता और वात्सल्य की देवी है, ममता की मूर्ति है और देवी स्वरूपा है। और दीदी ने ये इतनी ज़्यादा ममता है जो कि कितना भी अशांत को शांत कर देती है। दीदी के अंदर हमने देखा कि कभी भी उनके किसी भी आत्मा के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं है। तो हमें भी ये सिखाते हैं कि हमेशा हर एक आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो।